गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और शाम में बहुत आज अच्छी हवा चल रही है, आज मौसम कुछ अच्छा लग रहा है और मैं आ गई छत पे पौधों को ठीक करने के लिए। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि भिंडी कैसे निकल गया है। तो सब पौधों को ना मैं सेपरेट करूँगी, क्योंकि एक ही गमले में दो दो तीन तीन चार चार पौधे ऐसे हमने लगाया था। तो हमने मिट्टी भी मंगा लिया है और मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या मंगा लिया है, और हमने ग्रो बैग भी मंगाया है, लेकिन अभी वो आने में, तब तक मैं जो ही हमारे पास प्लांटर है मैं उसी में डालूंगी। डब्बे वगैरह है ना, मैं उसको एज ए प्लांटर यूज़ करूंगी। कुछ हमारे पास प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हैं कि जब तक नहीं आ जाता है, पौधे को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एक एक में कितने कितने पौधे निकले हुए हैं, और मैं मिट्टी बनाऊंगी अभी आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। हमने कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट वगैरह मंगा लिया है, वो सारा कुछ आ गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि भिंडी और जो पौधे हमने टमाटर वगैरह लगाए थे ना, वो सब निकल। इसको तो मैं यहीं पे रहने दूंगी, ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिट्टी बनाऊंगी और इसमें भी डाल दूंगी मिट्टी को। तो ये भिंडी है, इस तरह से निकल आया। उस टाइम मैंने ऐसे एक एक में दो दो तीन तीन लगा दिया था, तो देखिए इस तरह से। और इसमें है ना टमाटर हमने लगाया था और हरी मिर्च भी है, ये सब देखिए। कहीं हमने कहीं कहीं भी लगा दिया था, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिला था, देखिए उसमें भी है। तो सब में ये निकल आया है, तो मैं इसको सेपरेट करूँगी। देखिए इसमें भी निकल आया है, ये देखिए, और यहाँ भी देख लीजिए ये निकल आया है। तो सबको सेपरेट करना है, तो उसको मैं सेपरेट करूँगी। इतना सुंदर फूल खिला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फूल, इसका कलर बहुत ही कोकोपीट है। इसको हमने कोकोपीट का दो ईंट था, तो हमने इसको रात भर पानी में डाल के छोड़ दिया था। तो देखिए ये हो गया है, और यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी मंगाया है, और इसमें हमने मंगाया है बर्मी कंपोस्ट है। तो ये हमने मंगाया, ये भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया है, तो ये भी आ गया है। तो मैं पहले मिट्टी बना लेती हूँ, और मिट्टी बनाकर मैं कुछ कुछ डब्बे में डालकर इसको मैं ठीक कर। तो चलिए मिट्टी बना लेती हूँ, और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये कोकोपीट, और दो ईंट था ये, और दोनों को मैंने पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया था। देखिए कितना से हो गया है, और इसमें मैं कंपोस्ट भी मिला दूँगी, और ये सारी चीज़ें आगे ग्रो बैग भी आ जाएगा एक दो दिन में, तो मैं उसमें कुछ और पौधे लगा दूँगी। तब तक जो भी हमारे पास पॉट है मैं उसी को यूज़ करके करूँगी और मिट्टी बना लूँगी। और मिट्टी बनाने के बाद मैं जो बाकी के पौधे में जो लगाई हूँ गमलों में, उन सब में भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी ये डाल दूँगी, ताकि पौधे हमारे स्वस्थ रहे और कीड़े मकोड़े नहीं लगे, उन्हें अच्छे से उनका भोजन मिले। तो देखिए इन सब पौधों में भी मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलाया था, ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया था। तो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ, और सारे पौधे में जो भी गमले हैं हमारे उसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको डाल देती हूँ। गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, और हमने पौधों को सेपरेट सेपरेट कर दिया। अभी हमारा ग्रो बैग नहीं आया है, लेकिन एक ही प्लांटर में बहुत सारे पौधे निकल गए थे, उससे उनका ग्रो नहीं होता, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। ग्रो बैग आ जाएगा फिर मैं देखूंगी, तब तक मैंने जो डब्बे वगैरह थे मैंने उनमें लगा दिए, और सारे गमले में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इसलिए गमले भी खाली नहीं थे। और देखिए वो लग फूल कितना सुंदर लग रहा है, रेड रेड।
हमने कल ही रात में भिगो कर रख दिया था। कोको पीट का 2 ईंट था और उसको मैंने भिगो दिया था रात भर में, वो भी फूल गया था। और मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाकर हमने थोड़े थोड़े सारे प्लांटर में जितने भी हमारे गमले हैं ना थोड़े थोड़े सब में वो हमने मिट्टी डाल दिया, जो मिक्स मिट्टी किया था सब में डाल दिया ताकि मिट्टी हमारा स्वस्थ रहे ताकि पौधे ग्रो करें। तो देखिए कहाँ तक ग्रो हो रहा है। मैं तो मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पौधे अच्छे से उगे। और अच्छा लगता है जब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे ग्रो होते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। मैं कल से सोच रही थी इसे ठीक करना, क्योंकि एक ही गमले में ना बहुत सारा टमाटर वगैरह निकल आया था पौधा। देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। बंद कर चलते हैं नीचे। और अभी मुझे दीपक भी जलाना है और शाम हो गई सबके यहाँ दीपक जलना शुरू हो गया है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ नीचे और पहले मैं नहाऊँगी उसके बाद मैं दीपक जलाऊँगी। तो मैंने नहाकर और दीपक वगैरह जला लिया और दिन में बना था डोसा, तो डोसा का बैटर बचा हुआ था तो मन हुआ कि अब इडली बना दे। दिन में तो डोसा खा लिए थे सभी ने, तो सबका मन हुआ कि नहीं इडली ही बन जाए। तो थोड़ा सा बैटर पतला है लेकिन फिर भी अच्छा बना था। और तो हमने सांभर पड़ा हुआ, सांभर चटनी है तो मैं सिर्फ इडली बनाऊंगी और सांभर को गर्म कर दूंगी और आज का हमारा डिनर यही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को एंड करूँगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसे लगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।